विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी में अद्वानी गौशाला खोलने के हाईकोर्ट के आदेशों के बाद गौरक्षा समिति अद्वानी अध्यक्ष सुनील राणा ने इस निर्णय पर माँ ज्वाला को हलवे का भोग लगाया और पूरे शहर में हलवा बांटा गया। सुनील राणा ने बताया कि न्यायालय से ज्वालामुखी की जनता को न्याय मिला है, जिसके लिए वे कई सालों से संघर्षरत रहे हैं। आज जाकर के उन्हें हाईकोर्ट से न्याय मिला है, जिसके लिए वे माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं और इस फैसले के आने के बाद खुशी व्यक्त करते हैं कि जल्द ही अब गौशाला का ताला प्रशासन खोलेगा और किसानों को जहां राहत मिलेगी, वहीं बेसहारा गौवंश को आश्रय मिलेगा। सुनील राणा ने कहा कि बहुत समय से स्थानीय विधायक और प्रशासन ने आइडियल रवैया इस गौशाला को नहीं खोलने के लिए अपनाया हुआ था और अब उस पर न्यायालय के आदेशों के बाद विराम लग गया है। हुआ है 16 तारीख को, जिसमें हमारे किसानों की जीत हुई है और हमारे ये किसान लोग बड़ी प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। उन्हें कुछ किसानों ने सोच रखा था कि माता रानी को भोग लगाएंगे, धन्यवाद करेंगे, तो आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भोग लगा रहे हैं और प्रसाद बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। इसमें सरकार की जो हमारे अड़ियल नेता ज्वाला जी है, उनकी हार हुई है और किसानों की जीत हुई है। किसान बड़े दिनों से प्रयास में थे, इस प्रयास में थे कि ये गौशाला चल जाए। अब ये ज्वाला साहब ना चलने दे रहे थे और बार बार अड़ंगा अड़ा रहे थे, उसका आज हमें कोर्ट से न्याय मिला है। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कोर्ट का, न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आपने किसानों की सुनी है। और अब किसान, पहले क्या हुआ करता, जो किसान 10 क्विंटल गेहूं पैदा करने की क्षमता रखता था, ये गायों के कारण सिर्फ 1 क्विंटल ही पैदा कर सकता, अब वो 10 क्विंटल की बजाय ज़्यादा पैदा कर सकता है, ताकि ये हमारी गौशाला चल पड़ी है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है, जल्द से जल्द इसका ताला खोल के गायों को अंदर किया जाए, जिस भी हिसाब से प्रशासन ने करना है वो करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ज्वालामुखी से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।